नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सभी मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी लाइक करें और खबर को पूरा आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में आतंकी हमले में मारे गए उत्तर प्रदेश के कन्नौज के मजदूरों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल कश्मीर के शोपियों में टारगेट किलिंग में मारे गए कन्नौज के दोनों मजदूरों के परिजनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5-5 लाख रुपए सहायता राशि देने का निर्देश दे दिया है। उत्तर प्रदेश में रबी की 6 फसलों का एमएसपी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का जताया आभार। जी हां, बता दें कि अभी अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 रबी फसलों पर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभार जताया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अन्नदाता किसानों को फसलों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2023 और 24 के लिए रबी की 6 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय अभिनंदनीय है। किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करते इस निर्णय हेतु आभार प्रधानमंत्री जी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसान मेले का मंत्री सजीव बलियान ने किया उद्घाटन। 20 लाख के डॉग्स और 10 करोड़ का भैंसा बना आकर्षण। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में मोदीपुरम स्थित सरदार वल्लभ पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अभी अभी शुरू हुए 3 दिवसीय किसान मेले का आज दूसरा दिन केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। वहीं किसान मेले में दूसरे दिन मेले को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। दूसरे दिन डॉग्स शो का आयोजन भी हुआ है, जिसमें 20 लाख रुपए ग्रेड डोन डॉग, रॉटवीलर, जर्मन शेफर्ड, पिटबुल नस्ल के डॉग्स को देखने के लिए भीड़ उमड़ी। वहीं 10 करोड़ के भैंसे को देखने दूर दूर से किसान पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में धनतेरस से दीपावली तक नहीं होगी बिजली कटौती, योगी सरकार ने अधिकारियों को दिया आदेश। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में धनतेरस से दिवाली तक लोगों को बिजली कटौती से जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने धनतेरस से दिवाली तक सभी को 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का अभी अभी फैसला ले लिया है। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ए के शर्मा ने अभी अभी बताया है, प्रदेशवासियों की सुविधा को ध्यान में रखकर सरकार ने दीपावली और धनतेरस जैसे त्योहार भी पूरे प्रदेश को कटौती मुक्त बिजली आपूर्ति दी जाएगी। अब दीपावली तक गांव से लेकर शहर बिजली कटौती से मुक्त रहेंगे, साथ ही बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में पावर कॉर्पोरेशन को निर्देश भी दे दिए गए। उत्तर प्रदेश में नींद से जुड़ी बीमारियों का लखनऊ के केजीएमयू में अब सटीक इलाज, विश्व स्तर की होगी सुविधा। यह बताने की नींद से जुड़ी बीमारियों का केजीएमयू में अब सटीक इलाज होगा। इसके लिए केजीएमयू के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में कॉम्प्रेहेंसिव स्लीप डिसऑर्डर सेंटर स्थापित किया गया है। बताने की नींद में खर्राटे आने की परेशानी का भी इलाज हो रहा है। वहीं आपको बताने की केजीएमयू पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश ने अभी अभी ये जानकारी दी है कि नींद से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। करीब 30-40% लोगों को नींद से जुड़ी बीमारी है। चिंता की बात यह है कि वयस्कों में भी नींद से जुड़ी बीमारी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ओएस से तेजी से पनप रही है। दिल्ली लखनऊ वृंदावन के लिए चलेंगी एसी बस, यूपी के इस शहर से मिलेगी सुविधा। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बस से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल गोरखपुर से लखनऊ, दिल्ली, वृंदावन और मथुरा के लिए एसी स्लीपर बस सेवा शुरू होने जा रही है। आदेश मिलने के बाद अब रोडवेज जल्द ही टेंडर जारी करेगा। वहीं टेंडर के जरिए परिवहन निगम प्राइवेट बस एजेंसियों से अनुबंध कर बसों का संचालन कराएगा। बता दें कि शासन द्वारा जारी डग्गामार बसों को रोडवेज से अनुबंधित करने की स्कीम के तहत 20 निजी बसों को अनुबंधित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी के लिए मिलेंगे 51,000 रूपए, किसे मिलेगा लाभ, कैसे करें आवेदन, पूरी डिटेल जानने के लिए खबर को आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में बसपा के पूर्व महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना, जाने क्यों। जी हां, बता दें कि धरना प्रदर्शन के दौरान सड़क घेरकर आवागमन अवरुद्ध करने के एक मामले में तत्कालीन बसपा महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 5 आरोपियों को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य सचिव मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने अभी अभी दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 2500-2500 रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने यह भी कहा है कि जुर्माने की रकम जमा न करने पर आरोपियों को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के
मंडी में धान खरीद नहीं होने पर किसान धरने पर, एक ने की आत्मदाह की कोशिश। जिया बता दी कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 दिन से धान न तोलने का आरोप लगाकर किसान पूरनपुर मंडी का गेट बंद कर धरने पर बैठ गए। इस दौरान एक किसान डीजल लेकर आया और आत्मदाह करने का भी प्रयास किया। बता दें कि SDM ने किसान के हाथ से डीजल की बोतल छीन ली और उससे बातचीत की। SDM ने किसानों और सेंटर इंचार्जों के साथ बैठक कर मानक के अनुरूप धान की खरीद करने के निर्देश अब दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश में RSS प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत से मिले प्रयागराज आएंगे CM योगी, ये रहेगा कार्यक्रम। जी हां, बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 4 दिन बैठक बुधवार को समाप्त होगी। उसके अगले दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत से शिष्टाचार भेंट कर दी। प्रयागराज में गौहनिया के वात्सल्य परिषद पहुंचेंगे। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजकीय विमानन से बमरौली पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से बैठक स्थल तक जाएंगे। बताने की DM संजय कुमार खत्री ने अभी मुख्यमंत्री के आने की पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश में सपा को बड़ा झटका, इमरान मसूद का साइकिल छोड़ हाथी पर सवार होना तय, बदलेंगे सियासी समीकरण। जी हां, बताने के पूर्व विधायक और जिले के कद्दावर नेता इमरान मसूद एक बार फिर पाला बदल सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले साइकिल पर सवार हुए इमरान अब हाथी की सवारी करने की तैयारी कर चुके हैं। काफी संभव है कि लखनऊ में इसकी घोषणा भी हो सकती है। उधर इमरान मसूद के पाला बदलने से सपा खेमे में खलबली है। बताने की सपा नेताओं ने भी अपनी रणनीति पर विचार करना शुरू कर दिया है। नगर निगम और नगर निकाय चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सियासी माहौल के बारे में एक बार फिर बदलाव की हवा चलने लगी है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का साथ छोड़कर सपा में शामिल हुए इमरान मसूद पार्टी में खुद को अलग थलग मान रहे थे। उत्तर प्रदेश में CM योगी की नई पहल, दिवाली पर अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन समेत इन धार्मिक स्थलों के साधु संतों को भेजेंगे गिफ्ट। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार दिवाली को हर नागरिक के लिए यादगार बनाने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई पहल करने जा रहे हैं। दीपावली पर मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों के प्रमुख साधु संतों को भावपूर्ण बधाई संदेश के साथ साथ उनका मुंह भी मीठा कराया जाएगा। वहीं बता दें कि इन धार्मिक स्थलों में उत्तर प्रदेश का अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट, नैमिषारण्य, चक्रतीर्थ, गोरखपुर, गोवर्ष पीठ, मेरठ, औगढ़नाथ मंदिर, देवी पाटन, प्रयागराज, कौशाम्बी और सारनाथ समेत उन सभी जनपदों के बड़े धार्मिक स्थल शामिल हैं जिनकी प्रदेश में बड़े पैमाने पर मान्यता है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दीपावली से पूर्व इन सभी धार्मिक स्थलों के महंत व अन्य प्रमुख साधु संतों को मिठाई के रूप में पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी प्रकरण निगरानी याचिका पर सुनवाई अब 3 नवंबर को, निचली कोर्ट से खारिज हो चुका है दावा। जी हां, बताने के उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला जज डॉक्टर राजीव कृष्ण विश्वेश की अदालत में अभी अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में दाखिल निगरानी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी है। जिला जज के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई टल गई है। अब इसकी सुनवाई की तारीख 3 नवंबर निर्धारित की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव, यूपी में धांधली, बैलेट बॉक्स पर सवाल, टीम थरूर ने की दर्ज 4 शिकायत। जिया बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में मतगणना का दौर जारी है। इसी बीच तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर की टीम ने चुनाव में अनियमितताओं का मुद्दा उठा दिया है। खबर है कि उनकी इलेक्शन टीम कांग्रेस की चुनाव समिति के साथ लगातार चर्चा में बनी हुई है। खबर है कि टीम थरूर की तरफ से 4 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इनमें बैलेट बॉक्स के लिए अनाधिकारिक सील, उत्तर प्रदेश में पोलिंग बूथ पर अनधिकृत लोगों की मौजूदगी, मतदान प्रक्रिया में गलत काम और पोलिंग सीट नहीं होना शामिल है। पाकिस्तान की हैकड़ी निकालेगी वायुसेना, बॉर्डर के पास भारत बनाएगा एयरबेस, PM मोदी ने रखी आधारशिला। जी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा के पास दिशा में एक नए एयरबेस की आधारशिला भी रखी है और कहा है कि यह नया एयरबेस देश की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी केंद्र के रूप में उभरेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि गुजरात भारत में रक्षा का केंद्र बनेगा और भारत की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। दिवाली पर बड़ा ऑफर, 1499 में घरेलू फ्लाइटें, विदेश उड़ान पर भी कंपनी दे रही है बम्पर छूट। जी हां, बता दें कि दिवाली और फिर छठ का त्योहार नजदीक है। ऐसे में अगर आप भी इन त्योहारों के सीजन में हवाई सफर करना चाहते हैं तो आपके लिए एयर विस्तारा ने शानदार ऑफर दिया है। बताने की कंपनी ने ऑफर घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट दोनों पर ही दिया है।
आइए डिटेल में बताते हैं। कंपनी की तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि भारत की खूबसूरती का लुफ्त उठाएं, भारत की बेस्ट एयरलाइंस के साथ हमारे फेस्टिवल सीजन के सेल्स का लाभ उठाएं और एक तरफ का घरेलू फ्लाइट का सफर 1499 रुपए में करें। बता दें कि यह ऑफर 19 अक्टूबर तक ही है। कस्टमर 19 अक्टूबर को 23 अक्टूबर से 31 मार्च 2023 तक के लिए किसी घरेलू फ्लाइट पर इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। दीपावली की मांग ने बढ़ाई खाद्य तेलों की कीमत, सोयाबीन रिफाइंड तेल के भाव में 20 रुपए की तेजी। जिया बताने की दीवाली की मांग के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में लगभग सभी खाद्य तेल में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं इंदौर के खाद्य तेल बाजार में सोयाबीन रिफाइंड तेल के भाव में 20 रुपए प्रति 10 किलोग्राम की तेजी आई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी के लिए मिलेंगे 51,000 रुपए, किसे मिलेगा लाभ, जाने कैसे करें आवेदन। जी हम बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत शादी योग्य लड़के लड़कियों को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। हालांकि इसके लिए शादी से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आपको बता दें कि पहले आर्थिक सहायता राशि 35,000 थी, जिसे अब बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को जरूर दबाएं। धन्यवाद।